सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ और सच सच बोलूँ तो दिस विल बी माय लास्ट राइड ऑन माय S1000RR बीस्ट। तो आपको रीज़न बताऊँगा काय को बेच रहा हूँ मैं, क्यों बेच रहा हूँ। तो अब चलते हैं अपने बाइक की ओर। सो ये आखिरी बार, प्लीज़ बैकग्राउंड को मत देखना कि बहुत गंदा हो रहा है क्योंकि नीचे कोई रहता नहीं आजकल। ये आखिरी बार है जो मेरी ये बाइक गराज में, मन तो बिल्कुल नहीं है क्या बोलूँ, बट स्टिल मैं बताता हूँ क्या रीजंस हैं। लेट्स हिट टू द रोड। यार सुंदर लगती है ना, सही बताओ सुंदर लग रही है ना, आखिरी बारी सही, बट सुंदर है यार। तुम बोलो हाँ या ना, बट सुंदर है। मेरे घर में से किसी कोई भी नहीं चाहता कि मैं इसको दूँ, और इतने पैसे हैं नहीं कि मैं इसको भी रखूँ और कुछ और भी लूँ। दिस इज माई लास्ट राइड, लेट्स गो। कूल स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें मेरे भाई से भी मेरी लड़ाई हुई उस चीज़ को लेके कि क्यों बेच रहा है, रख ले कुछ और ले लेंगे, मैं मदद कर दूंगा लेने के लिए। बट टू बी फ्रैंक मैंने उसको मना किया, मैंने लगा खामों का पैसे ब्लॉक हो रहे हैं, चला रहा होता तो समझ आता। जैसे आपने देखा है मैं वीडियो तो डालता नहीं हूँ इसके साथ, प्लान्स बहुत थे बट कभी पूरे नहीं हुए। कभी कभी बोलते ना कि किस्मत भी साथ देनी चाहिए, चीज़ें होने से भी चीज़ें पूरी नहीं होती। अब आखिरी आवाज़ मेरी बाइक की मेरे घर के बाहर सुनने को, जय माता दी, ओम नमो नारायण। ये मेरी बाइक यार बिल्कुल मन नहीं यार देने का ना, मन बिल्कुल नहीं है तुझे देने का। तुम लोग पूछोगे अब मेरे YouTube चैनल से मेरे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, अभी तो कुछ भी नहीं है यार, खत्म ही हो गई है। ये तो वो लोग समझते हैं जो जॉब कर रहे हैं ना, उसके बाद उनको होता है, उनके दिमाग में ये रहता है कि हम आगे जाके कुछ ना कुछ सही कर लेंगे, जॉब से छुट्टी मिल जाएगी। जॉब वालों के लिए बहुत सही है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है। मेरे में प्रॉब्लम ये थी कि मेरी छुट्टी तब होती है जब सब काम पे होते हैं। हाँ बिल्कुल सही पकड़े, ट्यूसडे। इस चीज़ को मैंने शायद 10 बार रोया हूँ मैं इस चीज़ को लेके, बट इस चीज़ के लिए मैं कुछ कह नहीं सकता ना, मैं कुछ कर सकता। एक्सपेक्टेशन अपने लाइफ में मैं कभी रखूँगा नहीं, जो होगा देखा जाएगा, जैसे जी रहा था मैं वैसे ही जीऊँगा, उसमें कोई वो नहीं है, दोहराया नहीं है। बट थोड़ा मैं अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करूँगा, पहले भी किया है दोबारा कर सकता हूँ, इतनी तो उम्मीद है मुझे। उम्मीद क्या भरोसा है, उम्मीद पर तो मैं जीता नहीं हूँ, उम्मीद पर जीने के चक्कर में ये बाइक मैं बेच रहा हूँ आज। पेट्रोल भी रिजर्व में आ गया, उसको भी भूख लग रही है। देखो बंदों पे बंदी है बाइक को घुमाने के लिए, हमने पीछे वाली सीटें हटा रखी है, किसको हटाएंगे। तो मेन बात यह है मैं इसे बेचने का कारण भी है, ये प्रैक्टिकल नहीं है दिल्ली की सड़कों के लिए। मैं उन लोगों को मानता हूँ यार, JS भाई हो गए, JS फिल्म और बहुत सारे हो गए यार, मतलब जितने भी अपने यूट्यूबर भाई है उसको चलाते हैं। इनफैक्ट डुकाटी भाई, जिन जिन के हाथ में डुकाटी और डुकाटी मेंटेन कर रहे हैं और चला रहे हैं डुकाटी, उनसे एक बार पूछो ये कितनी गर्म होती है। घीट है ना, मेरे हिसाब से ऑमलेट बन जाता होगा। मुद्दा तो सारा यही है कि बहुत हीट करती है। और यार मैं यार ट्रैवल करने वाले बंदों में से हूँ, मतलब बंदों में से था, और मैंने सोचा इस बाइक से मैं ट्रैवल करूँगा, मैंने स्पीति करा इस बाइक से, तो मुझे एक चीज़ तो समझ आ गई थी
पहले तो बहुत डेयरिंग काम था, लोग बोले वाह यार तू बाइक लेके ही चला गया, जिससे ये पता चला कि ये बाइक मेरे लिए नहीं थी। और मुझे सबसे पहले जब मैं बाइक ले रहा था, मुझे लेना चाहिए था जीएस मेरे लिए, मतलब मैं बोलूँ एक वो हो जाती जीएस मेरे लिए, एक लाइफ लाइन हो जाती कि इस बाइक के ऊपर मैं कहीं भी चले आऊँ मेरे घर वाले भी एतराज़ नहीं करते। क्योंकि जीएस प्रैक्टिकली जब मैंने चलाया था, मतलब मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि तेज चलाने का मन नहीं कर रहा था बाइक को। पहली चीज़ वो इतनी स्मूथ चल रही थी, मन तो था कि मैं जीएस ले लूँ उसे निकाल के। अभी थोड़ा अपने आप से थोड़ा वो चल रहा हूँ, बस अब मेरे हिसाब से 3-4 किलोमीटर रह गया बाइक को मैं वो खड़ी करूँगा। तो हम जहाँ जा रहे हैं मोस्टली जितने भी अपने राइडर भाई होंगे उनको पता होगा 5 ओवर्स वहाँ जाके बाइक छोड़नी है। और कुछ दिनों में लिस्टिंग करेंगे मेरी बाइक की, देखते हैं कितना अमाउंट देते हो। मुंह में रनी कंदा कदमों में बंदा बंदे के पीछे, बाय 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 सॉरी सॉरी आई लव यू ग्रेवीस। और मेरे चैनल का नाम भी ग्रेवीस था, पता नहीं मैंने चैनल का नाम इतना चेंज किया ना, और मुझे लगता है एक और बार मैं चेंज करूंगा। मैं मजाक से बोल रहा हूँ, मुझे रोना आ रहा, पता मैं सोच इतना रोना आ रहा, मतलब अजीब सा ना फीलिंग से नहीं होती यार। इतना लड़के इतना मेहनत करके सेविंग करके 2010 की सेविंग से, मतलब समझ रहे हो ना, 1-2 रुपए 5 रुपए 50 रुपए 100 रुपए इतना कुछ डालने के बाद फिर मैंने सेविंग करी, अब मैं इसको बेच रहा हूँ 3 साल, मतलब 3 साल भी अभी भी नहीं हुआ यार, 7 तारीख हो जाएगा 3 साल भी इसके ना। लव यू ब्रो। भाई यहाँ से 1 किलोमीटर भी नहीं है, यहीं से मैंने बाइक ली थी और यहीं बेच रहा हूँ। What a coincidence. यहाँ बेचना नहीं होता, बट ऑवर्स में ये होता है कि आप आगे अपनी बाइक खड़ी कर दो और वो एक रीजनेबल रेट डाल देंगे। अगर कोई डील क्रैक होती है, कोई ना कोई आके आपसे बात करेगा, इनसे बात करेगा, फिर वो मुझे बताएंगे कि इतने में डील हो रही है, क्या तुम बाइक देना चाहते हो। अगर एग्रीड हो गए तो हम बाइक बेच सकते हैं। लो बंद हो गई, बस खेल ही खत्म होता है। इसकी रेटिंग लग जाएगी और मैं आपको वेबसाइट भी दिखाऊंगा, किसी को इंटरेस्ट है वो ले सकते हैं। जैसे आप लोगों को पता था कि मैं अपनी बाइक बेच रहा था और उस बात को हो गया मेरे हिसाब से महीना हो गया यार, हाँ महीना कायदे से महीना हो गया, फरवरी जनवरी में बात हुई थी, फिर बायर मिला था, फिर कुछ बात हो गई थी घर पे, तो बाइक बेच नहीं रहा था, थोड़ा मूड खराब हो गया था। अब जाके जो प्लान बना, अभी क्या है हमारे BMW में पहले सर्विस में बंडी बाजी काम करते थे सर्विस में, तो वो मेरी बाइक लेके जाएंगे आज और किसी बंदे को जाके दिखाएंगे और वो बताएंगे कि क्या जायज रेट है और क्या, तो देखते हैं डील बनती है नहीं बनती। और साथ में हमारे हैं विन्नी जो मेरा बड़ी है, ये बड़ी बस पार्टी करने के लिए आता है, वैसे आता ही नहीं है, मुंह छुपा के अभी कुछ बोल ले रहा हूँ, चुप बैठा। चलो फिर अब चलते हैं सीधा लगाने के लिए, BMW थोड़ी जा रहे हैं, 5 ओवर्स जा रहे हैं अपनी बाइक वहां पर खड़ी है। आपको चाहिए तो वेबसाइट में चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिनी सैंड, और उसका जाने का वक्त आज जिसने डील करी है वो आज ले जाएगा। बाय बाय बीस्ट।